Hello students, welcome to Shikshan. I hope all of you are doing well. You all are safe, secure and अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं. So let us start. जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा EPFO का एग्जाम आने वाला है एंड फॉर दैट पर्पज वी आर डूइंग दीज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. द पर्पज इज दैट दिस विल हेल्प यू इमेंसली इन बूस्टिंग योर वोकैबुलरी एंड दैट विल अल्टीमेटली बेनिफिट यू इन अ लॉन्ग रन एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट. सो अ वेरी फर्स्ट वर्ड इज कंटिजेंसी. कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है कि हम एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के लिए, जो नहीं भी हो सकता या हो भी सकता है, हम अभी से तैयारी सी एक माइंडसेट सा और एक अलग सा एक प्रोविजन सा बना के रखे. दिस वर्ड इज मोस्टली यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एंड क्योंकि फाइनेंस इज अ वेरी फ्रजाइल थिंग टू बी मैनेज. तो कभी भी अच्छा हो सकता है, कभी भी बुरा हो सकता है. इस वजह से वी हैव टू मेक सम कंटिजेंसी प्लान्स. सो लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट. अ प्रोविजन फॉर अ पॉसिबल इवेंट और सर्कमस्टेंस. वी यूज इट टू डिस्क्राइब एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज अ पॉसिबल आउटकम बट वन दैट्स इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एक एक्स वाई जेड बिजनेस में हैं एंड वहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं. एंड में जाके या तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस होता है. दोनों के दोनों ही हमारे अनसर्टेन हैं. कोई भी हमारा 100% श्योर नहीं है कि हमें प्रॉफिट इतना होगा ही होगा या लॉस इतना होगा ही होगा. सो अभी से उसके लिए एक माइंडसेट सा बना के चलना. लाइक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. दिस इज कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट. इसमें क्या होता है, डोमिनो ये एक स्ट्रेट लाइन में लगे हुए होते हैं. अगर आप एक को गिरा देंगे तो सभी गिरने शुरू हो जाएंगे वन बाय वन. सो वी हैव टू मेक अ कंटिजेंसी प्लान. अगर हम फॉल करने लग पड़े तो स्टॉप करने के लिए जो हमारा हाथ दिखा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अ कंटिजेंसी प्लान फॉर योर फ्यूचर. ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ दी सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आ जाएगा इंसिडेंट, हैपनिंग, अकरेंस, जंक्चर, पॉसिबिलिटी. एवरी वर्ड इज इंडिकेटिंग अ अनसर्टेनिटी दैट इट कैन हैपन और नॉट. ओके, और एंटोनिम्स में आ जाएगा सर्टेनिटी, रियलिटी, ट्रूथ. मतलब कि दीज ऑल वर्ड्स आर इंडिकेटिंग द रियलनेस, द ट्रूथ, द हैपनिंग दैट इज अकरिंग. ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. यूजिंग सेंटेंस देख लेते हैं. इट्स इम्पॉसिबल टू लेजिस्लेट फॉर एवरी कंटिजेंसी. हमारी कोई भी जितनी भी कंटिजेंसीज हैं, जितने भी हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, उन सब के लिए लेजिस्लेट करना इज इम्पॉसिबल. ठीक है, हर एक के लिए लॉ अबाइड करना, लॉ बना के उसको लागू करना इज इम्पॉसिबल फॉर एवरी एंड हर एक सर्कमस्टेंस के लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोब. प्रोब मीन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट, टू कीप सर्टेन थिंग्स अंडर योर आईज. किसी चीज को बार बार देखते रहना. When we start a job, we are on a probation period. Probe से ही बना है probation. ठीक है, probation period में क्या होता है, we are under our supervisor. हम बार बार उसी के पास जा के अपनी सारी inquiries करते हैं and he is always watching us. वो हमें देख रहा होता है, हमें inquire कर रहा होता है, हमारे बारे में पूरी investigation कर रहा होता है that this person is right for this job or not. मतलब कि वो आंसर्स ढूंढ रहा होता है, इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है. लेट अस सी द मीनिंग. अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम और अदर मैटर्स. दूसरा है एक्सप्लोर और एग्जामिन, स्पेशली विद द हैंड्स और एन इंस्ट्रूमेंट. जैसे कि यहाँ पे एक हमारे डिटेक्टिव साहब है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड सम एविडेंस, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम एविडेंस, ही इज ट्राइंग टू एग्जामिन द केस. ओके, इसका देख लेते हैं सिनोनिम. सिनोनिम्स में आ गए हमारे स्क्रूटनाइज, इंक्वायरी. दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी इंसान को इंक्वायर करना, किसी भी इंसान को क्वेश्चन आंसर करना. ओके, एंटोनिम्स आ जाएगा ग्लिम्स. ग्लिम्स का मतलब होता है जैसे एक आंख करके ऐसे हटा लेना, बस एक आंख सी मार लेना, जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम ग्लिम्स. एब्सर्ड का यहाँ पे मतलब होता है दैट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सर्ड का मतलब हमने पिछली क्लास में कराया हुआ है, सो प्लीज गो एंड वॉच. ओके, यूज इन सेंटेंस आ गया, आई डोंट वॉन्ट टू probe too deeply into your personal affairs. मतलब कि कोई इंसान है, he don't want to get involved too deeply into दूसरे इंसान के personal affair. probe मतलब कि ज़्यादा घुसना नहीं चाह रहा है, वो ज़्यादा investigate नहीं करना चाह रहा है, ज़्यादा जुड़ना नहीं चाह रहा है. okay, so our next word is
डैमनिंग, डैमनिंग का मतलब होता है अगर हम किसी भी इंसान, किसी भी चीज, किसी भी संस्था के बारे में डैमनिंग चीज बोल रहे हैं, दैट इज लाइक वी आर प्रूविंग देम गिल्टी. ओके, इफ वी आर प्रपोजिंग अ डैमनिंग रिपोर्ट दैट क्लियरली शोज दैट समवन इज रॉन्ग, गिल्टी और हैज बिहेव्ड वेरी बैडली. ही हैज मेड सम फेयरली डैमनिंग रिमार्क्स अबाउट गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू डील विद द प्रॉब्लम. लाइक अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा एक अजीब टाइम में है जहाँ पे कभी पेंडेमिक आ रहा है, कभी हमारी साइक्लोन आ रहा है. सो एवरीबडी इज लाइक क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट एज वेल. सो दे आर डैमनिंग द गवर्नमेंट एक्चुअली. इफ यू डिस्क्राइब एविडेंस और रिपोर्ट एज डैमनिंग, यू मीन दैट इट सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम. ओके, कि अगर मैं किसी के बारे में डैमनिंग चीज़ें बोल रही हूँ, सो मैं उसको पहले ही मान के चल रही हूँ दैट कि उससे वो वाला क्राइम किया है. मैंने उसको चांस नहीं दिया अपने बारे में कुछ भी अच्छा बोलने का, मैंने उसको घोषित कर दिया, मैंने उसकी निंदा कर दी, मैंने बोल दिया कि ये वाला इंसान तो भाई गलत है. सो लेट अस सी द मीनिंग फर्स्ट. स्ट्रांगली सजेस्टिंग गिल्ट और एरर और एक्सट्रीमली क्रिटिकल. ओके, अ डैमनिंग रिपोर्ट, जजमेंट रिमार्क एक्सेट्रा दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और शोज क्लियरली दैट समवन इज रॉन्ग, गिल्टी और हैज बिहेव्ड वेरी बैडली. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया गवर्नमेंट वाला. इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम्स हो जाएगा कंडेमनेटरी, डेमनेटरी, डिनंसिएशन. ईच एंड एवरी वर्ड मीन्स द सेम, कि हमने घोषित कर दिया, सरेआम बोल दिया दैट दैट पर्सन इज रॉन्ग, गिल्टी, निंदा करती. ओके, इसका हम एंटोनिम्स देख लेते हैं. प्रॉमिसिंग, ब्लेसिंग, प्रोपीटियस. प्रोपीटियस का मतलब होता है किसी को अपने बारे में बोलने की चांस देना, ठीक है, appropriate chance देना किसी को. So इसका हम use in sentence देख लेते हैं. The author has delivered a damning counter blast to her critics. Means एक author है, उसने अपनी एक book लिखी है, तो critics ने उसके बारे में बुरा बोला होगा, तो उसने उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बुला, मतलब कि बड़ा भला बुरा बोला. Sorry, author ने जो क्रिटिक्स हैं उसके बारे में भी बुरा बोला. ओके, सो डैमनिंग. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत बड़ा. इट्स अ फीलिंग व्हेन वी फील इमेंस लव, इमेंस हेट, इमेंस स्ट्रेस. ओवरवेलमिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो. ओके, एक फीलिंग है, स्टेट ऑफ माइंड है, किसी चीज को जो बहुत ही भव्य है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली बड़ा है, उसको भी हम इंडिकेट करने के लिए ओवरवेलमिंग का यूज कर सकते हैं. लाइक माउंट एवरेस्ट इज ओवरवेलमिंगली लार्ज. ओके, सो लेट अस सी द मीनिंग फर्स्ट. वेरी ग्रेट इन अमाउंट. ओके, इफ समथिंग इज ओवरवेलमिंग इट इफेक्ट्स यू वेरी स्ट्रांगली एंड यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद इट. जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है, उसका वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, ही इज गेटिंग स्ट्रेस, इट्स इन अ नेगेटिव वे. एंड यहाँ पे हमारी नेहा कक्कड़ जी हैं, शी इज़ अ जज इन इंडियन आइडल, तो वो हर बात पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लग पड़ती थी. तो फिर अगर खुश हैं तब भी रोएंगी, अगर दुखी हैं तब भी रोएंगी, तो फिर दैट इज ऑल्सो ओवरवेलमिंग फॉर हर. सो लेट अस सी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. सिनोनिम्स में आ जाएगा एस्टॉनिंग, माइंड ब्लोइंग. मैंने आपको जैसे बताया कि अगर किसी भी चीज़ को देख के हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी या बहुत ही ज़्यादा, हर किसी का अलग अलग वे होता है चीज़ों को लेने का. किसी को घूमना बहुत पसंद है, उनका माइंड ब्लो उससे होता है. किसी को शॉपिंग करने का अच्छा लगता है, तो फिर वो शॉपिंग करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं. दैट इज पर्सनल बायसनेस. एंटोनिम्स आ जाएगा माइल्ड, कंफर्टिंग. माइल्ड है मतलब कि कम है, हल्का है. ओके, कंफर्टिंग है अपने हिसाब से, बहुत ही ज्यादा लाइक नॉर्मल है. यूज इन सेंटेंस, देयर वाज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर आवर पॉलिसी. किसने कुछ पॉलिसी निकाली, उसके लिए बढ़ चढ़ कर लोगों ने उसका सपोर्ट दिया. इट्स कॉल्ड ओवरवेलमिंग सपोर्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरैडिक. स्पोरैडिक मतलब दैट थिंग, दैट अकरेंस दैट इज नॉट रेगुलर. जो चीज बहुत टाइम के बाद हो, दैट इज स्पोरैडिक. लाइक हमारे जितने भी ग्रहण होते हैं, जितने भी हमारी इक्लिप्स होते हैं, दे आर स्पोरैडिक इवेंट्स. एंड 2020 स्पोरैडिक ईयर हो गया. ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम में से किसी ने कभी भी नहीं देखी थी.
कोरोना से लेकर भवंडर तक एंड वो कीड़ों के हमले तक, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने कभी भी नहीं देखी. दीज आर कॉल्ड स्पोरैडिक इवेंट्स. लेट अस सी द मीनिंग. अक्रेंस एट इररेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब इसलिए हमने वर्ड यूज किया है बिकॉज अ थिंग दैट इज नॉट अक्रिंग रेगुलरली, दैट मीन्स दैट इज नॉट रेगुलर एंड इट इज अलोन. दैट्स वाई वी हैव यूज द वर्ड आइसोलेटेड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ, ये तो बहुत इनिशियल स्टेज की एक फोटो है जब कोरोना फैला था. सो इट इज एन स्पोरेडिक इवेंट. इट इज अकरिंग आफ्टर, आई थिंक सो आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स, तभी आया है ऐसा सा एक पेंडामिक हमारे ऊपर. दैट्स वाई इट्स अ स्पोरेडिक इवेंट. लेट अस सी सिनोनिम्स. ओकेजनल, इनफ्रिक्वेंट, इरेगुलर, पीरियडिक, सारा समझा दिया. एंटोनिम्स में फ्रिक्वेंट, कॉन्स्टेंट, सीजलेस, सीजनल. ओके, फ्रिक्वेंट मतलब कि जो बार बार होए, कॉन्स्टेंट मतलब कि जो हमेशा ही होता रहता है, लाइक कॉन्स्टेंट है कि दिन और रात होएगी, है ना. फ्रीक्वेंट है दैट कि मौसम बदलेंगे. सीजलेस मतलब कि जो कि एक साथ ही चलता रहता है, लाइक हमारी अर्थ की जो रोटेशन है दैट इज सीजलेस, दैट इज नॉट हिंड्रेंस. ओके, दैट दैट इज नॉट हैविंग एनी हिंड्रेंस. सीजन मतलब कि जो कि सीजन्स के साथ है. यूज इन सेंटेंस, देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ स्पोरेडिक फाइटिंग इन द स्ट्रीट्स. मीन्स कोई स्ट्रीट है वहां पे कभी कभार बीच बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी को नहीं पता कब हो जाए. सो दैट इज कॉल्ड स्पोरेडिक फाइटिंग. ओके, सो आर नेक्स्ट वर्ड इज इल कंसीव्ड. इल कंसीव्ड का मतलब होता है कोई चीज दैट इज नॉट प्लान्ड प्रॉपरली. कोई भी चीज जो कि प्लान प्रॉपरली ना हुई हो, या फिर किसी को अच्छे से समझ ना आई हो, या फिर किसी की समझने की क्षमता कम हो, एंड उसकी वजह से ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार. नॉट केयरफुली प्लान्ड और कंसिडर्ड इफ यू डिस्क्राइब अ प्लान और एक्शन. जैसे ये एज इल कंसीव्ड यू मीन दैट इट इज लाइकली टू फेल और हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज इट हैज नॉट बीन थॉट अबाउट केयरफुली इनफ. ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा था जो कि दोनों तरफ से, क्योंकि ब्रिज इज मेंट टू बी लाइक ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, तो दोनों तरफ से स्टार्ट कर दिया विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट प्लानिंग प्रॉपरली, विच वॉज इल कंसीव्ड. एंड दैट्स वाई ये वाली चीज होगी, दैट द ब्रिज डिडेंट मैच प्रॉपरली. ओके, सो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम्स आ जाएगा क्रेजी, अनवाइज, इम्प्रूडेंट. क्रेजी यहाँ पे इसलिए यूज किया हुआ है, क्रेजी का मतलब है कि किसी ने अच्छे से सोचा ना हो, बिना सोचे समझे कर लिया हो. दैट इज ऑल्सो इनकंसीव्ड. अनवाइज मतलब कि वो ठीक डिसीजन ना रहा हो, वो वाइज नहीं था, हर एक कॉन्सिक्वेंस को नहीं सोचा गया था. एंड एंटोनिम्स आ जाएगा वाइज, नॉर्मल, बैलेंस्ड, केयरफुल. यूजिंग सेंटेंस देख लेते हैं. द पॉलिसी वॉज इल कंसीव्ड एंड रॉन्ग हेडेड. मीन्स कोई पॉलिसी होगी, इस ब्रिज के बारे में ही देख लेते हैं कि जो पॉलिसी थी दैट वॉज इल कंसीव्ड. उनने वो जो बनाया वो ही ठीक नहीं था ब्लूप्रिंट, एंड जो इसके हेड करने वाले थे वो भी ठीक नहीं थे. ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.